कन्नौज में एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में भाजपा प्रदेश मंत्री सुब्रत पाठक के पिता ओम प्रकाश पाठक की मौत हो गई। वह गाजियाबाद से भतीजी का तिलक चढ़ाकर वापस घर लौट रहे थे। हादसे में उनके एक रिश्तेदार की भी मौत हुई है, वहीं 5 अन्य रिश्तेदार घायल हो गए। भाजपा प्रदेश मंत्री सुब्रत पाठक के पिता ओम प्रकाश पाठक परिवार सहित भतीजी का तिलक चढ़ाने गाजियाबाद गए थे। देर रात गाजियाबाद से वापस घर आने के लिए कार से निकले थे। उस दौरान गाड़ियों में सुब्रत पाठक सहित पूरा परिवार था। आगरा से उन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का रास्ता पकड़ लिया। कन्नौज के तिरवा कोतवाली क्षेत्र के फगुआ भट्टा गांव के पास एक ट्रक खड़ा था। सुबह कोहरा होने के कारण गाड़ी चला रहा ड्राइवर ट्रक को नहीं देख सका और तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी। हादसे में सुब्रत पाठक के पिता ओम प्रकाश पाठक और उनके रिश्तेदार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ड्राइवर सहित अन्य रिश्तेदार बुरी तरह घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों व घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचवाया है, जहां से 3 की हालत चिंताजनक होने पर कानपुर रिफर कर दिया गया। हम गाजियाबाद से लौट रहे थे, भतीजे के तिलक समारोह से लौट रहे थे। सुब्रत पाठक के पिताजी और उनके बहनोई सुब्रत पाठक के फूफा जी लगते हैं, दोनों लोग आज कोहरे के कारण मतलब ओवर ब्रिज के पास में आ रहे थे, तो कोहरे के कारण एक्सीडेंट हो गया। तो लोग स्वार घायल, तो दो तीन लोग घायल हैं, दो लोग खत्म हो गए। सुब्रत पाठक के पिताजी खत्म हो गए और उनके फूफा जी खत्म हो गए। हाँ, सुबह तकरीबन 4 बजे का वाक्या है कि गाजियाबाद से वापस आते समय माननीय प्रदेश मंत्री श्री सुब्रत पाठक के पिताजी और उनके एक नज़दीकी रिश्तेदार वो हादसे का शिकार हो गए एक्सप्रेसवे पे। कन्नौज जो एक्सप्रेसवे उतरने से पहले उनकी गाड़ी जो है टकरा गई, पीछे से किसी बस ने भी टक्कर मारी है। 3-4 गाड़ियों की टक्कर हुई है, जिसमें ऑन स्पॉट सुब्रत पाठक जी के पिताजी की और एक उनके नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। कुछ 3-4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको कानपुर रिफर किया गया। आगरा एक्सप्रेसवे पे आप एक साइड में डंपर खड़ा था, लगभग ये घटना 4 बजे के करीब है, जिसमें उधर से आगरा एक्सप्रेसवे गाड़ियां आ रही थी, वो डंपर में लड़ गई। उनके पीछे एक बस आ रहा था, बस से भी पीछे से 4-व्हीलर गाड़ियों को ठोक दिया, जिसके वजह से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, 3 लोग कानपुर रिफर किए गए। इसमें जिनकी मृत्यु हुई है वो भाजपा के प्रदेश मंत्री श्री सुब्रत पाठक के पिताजी हैं और उनके एक रिलेटिव हैं।